सबसे पहले जो पुआल है, जिसको कि पराली भी कहा जाता है, उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके जो है आप इसको 1.5 से 2 घंटा तक इस तरीके से बड़े कंटेनर पर बॉयल करेंगे, 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद जो है आप इसको ऐसे सरफेस में अभी रख देंगे जहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो और इससे जितना पानी हो वो निकल जाए 2 से 3 घंटे के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि इसको हमें स्टरलाइज करना पड़ता है। तो स्टरलाइज के लिए आप 1.5 से 2 घंटा तक इसको बड़े से इस तरीके का बर्तन में जो है उबाल देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से आपको यूज करना है। सबसे पहले जो प्रणाली को हम लोग स्टरलाइज किए हैं उसको इस तरीके से चारों तरफ जो है साफ जगह पे बिखेर देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी हो वो निकल जाए। बस इसके अंदर जो सिर्फ हो सिर्फ नमी बचना चाहिए, पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो इसमें पानी नहीं निकलना चाहिए, जैसे कि अभी निकल रहा है ये चीज़ नहीं निकलना चाहिए। तो इस प्रोसेस को 3 से 4 घंटा तक आप इस तरीके की ज़मीन में, साफ वाली ज़मीन में जो है इसको अच्छे से बिखेर देंगे। तो हम इसका 3 से 4 घंटे के बाद इसको पैकिंग करेंगे प्लास्टिक के अंदर। तो अभी जो फिलहाल इसको 3 से 4 घंटा तक इस तरीके से सूखने देते हैं ताकि जो पानी हो वो निकल जाए, इसके अंदर सिर्फ नमी बचना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं 4 से 5 घंटा के बाद, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से ड्राई हो जाता है और हम लोग पैकिंग इसका कैसे करेंगे। आप जो है डायरेक्ट धूप में सूखने के लिए नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि जब मैं बता रहा हूँ कि इसमें कम्प्लीटली पानी निकल जाना चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट धूप में रख करके इसको सुखा देंगे। इसको धूप में नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको धूप नहीं मिले। इसको कम्प्लीटली आप इनडायरेक्ट में भी सुखा सकते हैं, बस बिल्कुल इसका सिर्फ पानी निकलना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। सबसे पहले ये जो मैंने बताया था कि इसको 2 से 4 घंटा तक इस तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तो देख सकते हैं 3 से 4 घंटे हो चुका है, ये कम्प्लीटली ड्राई भी हो चुका है। अब हम इसको फाइनल पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग करने के लिए इस तरीके का मैंने कैरी बैग लिया है, तो इससे आप बड़े साइज का भी कैरी बैग ले सकते हैं लेकिन इतना एनफ होगा। तो सबसे पहले एक मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैकिंग करना और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको जो है सिंपली आप इस तरीके से हल्का हल्का सबसे पहले डालेंगे, जैसा मैं पैकिंग करूंगा बिल्कुल उसी को आपको फॉलो करके पैकिंग करते चले जाना है। देखिए एक लेयर मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये होता है मशरूम का स्पॉन। यदि मशरूम का स्पॉन को आप परचेस करना चाहते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग मशरूम का सीड भी कहते हैं, यदि इसको परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, ये थोड़ी से ज्वाइंट ज्वाइंट होता है, तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके ही आपको लगाना है। तो जैसे कि मैंने एक लेयर यहाँ पे इसको बिछा दिया है, एक लेयर के बाद थोड़ी बहुत जो है आप इस तरीके का उठा करके एक लेयर इस तरीके से बिछा देंगे। एक लेयर मैंने बिछा दिया, अब फिर से जो है उसी प्रणाली को आपको यहाँ पे डालना है। मैंने एक लेयर और बिछा दिया और फिर से जो मशरूम का जो सीड है उसको इस तरीके से बिखेर देना है। इस तरीके से हम 3 से 4 लेयर बना सकते हैं। तो एक कैरी बैग, जैसा कि मेरा एक मीडियम साइज का कैरी बैग है, इसमें मैं 3 ही लेयर बनाऊंगा। फिर इसको इस तरीके से कवर कर देना है आपको। इस तरीके से कवर करने के बाद आपको सिंपली इसको टाइट से कवर बांध देना है अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पे रबर लगा के भी बांध सकते हैं, जैसे इतना टाइट आपको पैक करना है कि एयर नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको इसको पैक करके दिखाता हूँ। मैं इस तरीके का धागे की मदद ले रहा हूँ पैकिंग करने के लिए, आप चाहें तो इस पर रबर लगा कर भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको कहाँ पे रखना है, किस जगह पे रखना है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए।
इसको जो है हमने कम्प्लीटली अभी पैक कर दिया। पैक करने के बाद आपको कौन सा स्टेप और भी करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें जो है छोटे छोटे आपको इस तरीके के कैरी बैग में 8 हॉल करना है, बहुत छोटा छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये छोटा सा मेरा हो गया। इस पर जो है इस तरीके से छोटे से छेद से करने के बाद आपको इसमें कॉटन जो है डाल करके इसको पैक कर देना है। देख कॉटन अंदर चला गया, कोई बात नहीं, उसी जगह में दूसरा कॉटन हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से एक कॉटन मैंने पैक कर दिया है, इसी तरीके से टोटल आपको 8 यहाँ पे छोटे छोटे हॉल बनाना है। ये 2 हो गया। इसी तरीके से आपको इस पूरे कैरी बैग में जो है 8 हॉल बनाना है। मैं 8 हॉल बनाने के बाद और सभी को पैकिंग करने के बाद आपको मैं फाइनल दिखाऊंगा कि इसको किस जगह पे रखना चाहिए और किस तरीके से आगे का फर्दर आपको प्रोसेस करना होगा। तो जो है कम्प्लीटली हमने अभी अपने घर में इंडोर में रखा है, इसमें डायरेक्ट जो है हवा नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप खिड़की के बगल में रखेंगे तो ऐसे गलती नहीं करेंगे, आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ से ये बाहर से हवा नहीं आ सके। दूसरी चीज, सनलाइट के कांटेक्ट में भी यह जरा सा अभी कुछ दिनों तक नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इसको रूम के अंदर रखा है, उस रूम में, इस रूम में देख सकते हैं ये जो कम्प्लीटली है डार्क है। इधर एक खिड़की है जिसमें मैं अभी पर्दा लगा दूंगा ताकि इसमें जो सनलाइट ना आ सके। बाकी जो है यदि हम इस रूम का लाइट को ऑफ करें तो ये बिल्कुल इस तरीके का डार्क हो जाता है। तो इसी तरीके का डार्क रूम में आपको रखना है। अब मैं अगला स्टेप जो आपको बताऊँगा, जो कि इसको अभी तक जिस तरीके से मैंने कॉटन से इसको पैक किया है, अभी इसको हमें 15 दिन तक किसी प्रकार के कोई भी चीज़ नहीं करना है। इसको कम्प्लीटली जैसे मैंने पैक करके रखा उसी तरीके से इसको रहने देंगे। अब हम लोग 15 दिन के बाद देखेंगे और आगे आपको बताएंगे कि अगला स्टेप आपको क्या करना होगा। तो इसको 15 दिन तक हम इसी तरह छोड़ देते हैं।